चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिलहाल समस्तीपुर में स्वास्थ्य कारणों से अपनी जन सुराज पदयात्रा रोक दी है। हालांकि बयान जारी कर वे अपनी बात लोगों के बीच रख रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने बुधवार यानी 24 मई को बयान जारी कर लोगों को जागरूक करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। प्रशांत किशोर ने राज्य में जनता के मुद्दों पर बीजेपी के सांसदों की सक्रियता के बारे में महत्वपूर्ण बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि साल 2014 में बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार प्रसार पूरे देश में मैं ही कर रहा था। बिहार में लगभग हर घर से हम लोगों ने मोदी को वोट दिया था। आज जो भी मोदी समर्थक हैं, उनको बता दे रहे हैं कि मोदी पिछले 9 सालों से उनके प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ या नहीं ये छोड़ दीजिए, बिहार में फैक्ट्री और रोजगार आए या नहीं इस बात को भी छोड़ दीजिए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं कि मोदी इन 9 सालों में मोदी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की है और आप लोगों में से कोई इसका प्रमाण मुझे दिखा दे तो मैं कल ही मोदी का झंडा धोने के लिए तैयार हूँ। जिसका झोला ढोना है ढोइए, जिसका झंडा लेकर चलना है चलिए, लेकिन वो गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होइएगा। नेता को और दल को गाली मत दीजिए। हम लोग आए 2014 में, मोदी जी आए थे 14 में, मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे, यहाँ से घर घर से हम लोग मोदी जी को वोट दिए। मोदी जी के जितने यहाँ समर्थक हैं, हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, मोदी जी के आने से देश में विकास हुआ कि नहीं इस बहस में मत पड़िए, मोदी जी के आने से बिहार में फायदा हुआ कि नहीं छोड़ दीजिए, मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री लगा कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, इस बात को भी छोड़ दीजिए। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया और आपने हमने 40 में से 39 MP जिताकर उनका भेजा है। एक से एक मरे हुए आदमी को भी लोगों ने जिता दिया ये कह के कि हम ऊपर देख के वोट दे रहे हैं।